ऋतुराज का शतक गया बेकार। अस्टोनिस ने तूफानी शतक ठोककर लखनऊ को अंतिम ओवर में 19 रन कूटकर दिलवाई जीत। मुकाबले में शिवम दुबे ने भी खेली तूफानी पारी मगर सारी पारियां हो गई बेकार। जीत के बाद लखनऊ टीम पॉइंट्स टेबल में मचाई तबाही, मिली बड़ी खुशखबरी तो वहीं सीएसके को हो गई भारी नुकसान। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, आखिरकार कैसे अस्टोनिस ने तूफानी शतक ठोककर ऋतुराज के शतक पर फेर दिया है पानी और कैसे एलएसजी को पॉइंट्स टेबल में मिल चुकी है बहुत बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी खबर की जानकारी आज की वीडियो में। अगर आप भी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और केएल राहुल के फैन तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि आज आईपीएल 2024 का 39वां रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों आपको बताएं कि आज लखनऊ ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके टीम की शुरुआत खराब रही। ओपनिंग करने आए अजिंक्य रहाणे मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आए डेरी मिचेल और रविंद्र जडेजा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 11 और 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों कप्तान ऋतुराज ने ऑलराउंडर शिवम दुबे के साथ मिलकर टीम को संभाला और तूफानी पारी खेले। शिवम दुबे ने 27 गेंदों में 3 चौके और 7 बेहतरीन छक्कों की मदद से 66 रन ठोके, तो वहीं कप्तान ऋतुराज ने गजब का ताबड़तोड़ पारी खेले और मात्र 60 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 108 रनों की पारी खेले और अंतिम ओवर में दोस्तों धोनी ने 4 रन बनाए, जिसकी मदद से चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 210 रनों का बड़ा टारगेट एलएसजी के सामने खड़ा कर दिया। लखनऊ टीम की ओर से दोस्तों 3 गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला, तो वहीं इसके जवाब में 211 रनों के टारगेट को चेज करने उतरी लखनऊ टीम की शुरुआत भी खराब रही। एलएसजी के दोनों ओपनर बल्लेबाज सस्ते में आउट होकर पवेलियन चले गए। क्विंटन डीकॉक शून्य तो वहीं केएल राहुल 16 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों फिर क्रीज पर आए मार्कस अस्टोनिस ने पारी को संभाला और इसका अच्छा साथ निभाया निकोलस पूरन ने, मगर फिर दोस्तों सीएसके ने पलटवार करते हुए पूरन को 34 रन पर आउट कर बड़ा झटका दे दिया। पूरन और अस्टोनिस के बीच 70 रनों की अच्छी पार्टनरशिप हुई, मगर दूसरी तरफ दोस्तों मार्कस अस्टोनिस ने अपनी तूफानी फॉर्म जारी रखी और ताबड़तोड़ शतक ठोक दिए और फिर एलएसजी को अंतिम ओवर में चाहिए थे 17 रन, लेकिन क्रीज पर खड़े अस्टोनिस ने ताबड़तोड़ बैटिंग कर 19 रन ठोक दिया और इस रोमांचक मुकाबले को 6 विकेट से एलएसजी को जीत दिलवा दिया। अस्टोनिस ने अपनी पूरी इनिंग में मात्र 63 गेंद खेले और 13 चौके और 6 छक्कों की मदद से 124 रन कूट दिए। इस जीत के बाद दोस्तों एलएसजी टीम को हुआ है पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा, जबकि सीएसके को लग चुका है बड़ा झटका। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस रोमांचक मुकाबले के बाद आईपीएल 2024 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल के पहले पोजीशन पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है और राजस्थान टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें आरा टीम 7 मुकाबले जीती है और मात्र 1 मुकाबला हारी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आरा टीम के फिलहाल 14 अंक है। वहीं दूसरे पोजीशन पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की टीम खिसक गई है। केकेआर अब तक कुल 7 मुकाबला खेली है, जिसमें केकेआर 5 मुकाबला जीती है और 2 मुकाबले हारी है। पॉइंट्स टेबल पर केकेआर के 10 अंक है। वहीं तीसरे पोजीशन पर सनराइजर हैदराबाद की टीम आ गई है और एसआरएच अब तक कुल 7 मुकाबला खेल चुकी है, जिसमें एसआरएच 5 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबले हारी है। पॉइंट्स टेबल पर एसआरएच टीम के 10 अंक है। वहीं पॉइंट टेबल के चौथे पोजीशन पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आ गई है। एलएसजी अब तक कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें 5 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबला हारी है। एलएसजी के पॉइंट्स टेबल पर 10 अंक है। वहीं पांचवे पोजीशन पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खिसक गई है और सीएसके अब तक आईपीएल में कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें सीएसके 4 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों सीएसके टीम के 8 अंक है। वहीं पॉइंट्स टेबल के छठे पोजीशन पर गुजरात टाइटंस की टीम पहुंच गई है, जहां जीटी अब तक कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें जीटी 4 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर जीटी के 8 अंक है। वहीं सातवें पोजीशन पर मुंबई इंडियंस की टीम बनी हुई है। एमआई टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें एमआई मात्र 3 मुकाबला जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर मुंबई इंडियंस टीम के 6 अंक है। वहीं दोस्तों पॉइंट्स टेबल के 8वें पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। डीसी अब तक कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें डीसी 3 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर डीसी टीम के फिलहाल 6 अंक है। वहीं 9वें पोजीशन पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जो अब तक कुल 7 मुकाबला खेली है, जिसमें पंजाब 2 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों पंजाब किंग्स के 4 अंक हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल के आखिरी और 10वें पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम आ गई है। आरसीबी अब तक कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें आरसीबी केवल 1 मुकाबला जीती है और 7 मुकाबला बुरी तरीके से हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी टीम के फिलहाल 2 अंक है।
तो दोस्तों आईपीएल 2024 से जुड़ी और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।